फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरु। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या होती है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो हमारे नेशनल इनकम के अंतर्गत हम इंक्लूड करके चलते हैं। ये हमारा 12th का एक टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम को हम नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही कंसेप्ट होती है। नेशनल इनकम होती क्या है ये बात आती है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, ठीक है, जो कमाई जाती है किसके द्वारा, एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। बात आती है नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री में रह रहा है साल के दौरान, ठीक है। नॉर्मली वैसे अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 180 डेज बोल देते हैं, पिछले साल वो 180 डेज रहा हो और कम से कम पिछले 3 महीने 60 डेज रहा हो। लेकिन अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म में नॉर्मली ये बता रखा है कि नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होगा जो पिछले साल के दौरान कम से कम एक साल के लिए ना कहाँ पर रहा हो, किसी कंट्री में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। तो नेशनल इनकम वो इनकम होती है, ठीक है, जो सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का, जो फैक्टर इनकम किनके द्वारा कमाई जाती है, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में एक अकाउंटिंग ईयर में। अब इसमें आया था फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम और एक वर्ड आया था नॉर्मल रेजिडेंट, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है जो नेशनल इनकम होती है ना, उसमें दो ऑब्जर्वेशंस होती है, एक तो नेशनल इनकम में हमारी फैक्टर इनकम आ गई, दूसरा हमारी आ गई नॉर्मल रेजिडेंट वाली। तो बात आती है फैक्टर इनकम क्या होती है, तो फैक्टर इनकम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इनकम। इनकम को दो पार्ट में बांटा जाता है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो किससे रिलेटेड होती है, जो भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं या जो भी फैक्टर हमारे जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमारी सारी फैक्टर इनकम कहलाती है, ठीक है। जो हाउस होल्ड होते हैं ना वो ही हमारे ओनर्स होते हैं फैक्टर्स के, क्योंकि जो हमारे किसान होते हैं वो हमें रॉ मटेरियल वगैरह प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे भाई प्रोड्यूसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, तो वो कौन होते हैं, लोग ही होते हैं, पब्लिक ही होती है, ठीक है। तो इसके बदले हाउस होल्ड को मिलता क्या है, भैया वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले उन्हें पेमेंट मिलती है प्रोड्यूसर से, तो जो ये पेमेंट होती है ना ये फैक्टर पेमेंट कहलाती है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए तो वो इनकम है क्योंकि उन्हें तो रिसीव हो रहा है, जबकि अगर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पेमेंट है। तो जो फैक्टर इनकम है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसने अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले उसे जो भी कंपनसेशन मिला वो उसकी इनकम होती है। दूसरा फैक्टर इनकम के अंतर्गत आती है, दूसरा जो भी रेंट है, लगा लो कोई लैंड वगैरह यूज़ की गई थी प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसका जो भी रेंट है या जो भी कैपिटल है उसको यूज़ किया गया था, तो उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो, या जो भी स्किल्स वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वगैरह यूज़ की गई थी उसके मतलब बदले में जो प्रॉफिट वगैरह कमाया गया वो, तो ये हमारी होती है फैक्टर इनकम। एक हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती हैं लाइक एज चैरिटी, ग्रांट्स वगैरह देना, ठीक है, डोनेशन वगैरह देना। तो ये जो इनकम होती हैं ये वन साइडेड होती हैं, यूनिलैटरल होती हैं, इसीलिए नेशनल इनकम में हम ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड करके नहीं चलते। जो हमारी नेशनल इनकम होती है ना उसमें से फैक्टर इनकम होती है ना, जो फैक्टर पेमेंट है उसको इंक्लूड करके चला जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट का इसमें कोई ही पार्ट नहीं होता। अब दूसरी कंसेप्ट थी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट की, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना इज सेड टू बी वन, वो पर्सन होगा जो रिजाइड कर मतलब कहीं रह रहा है किसी कंट्री में कब तक, एक कम से कम एक साल के दौरान, और जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो उस कंट्री में लाई कर रहा हो। तो रिजाइडिंग का मतलब वही देर का भाई, वो उस पर्सन है ना, वो पर्सन कम से कम एक साल के लिए रह रहा हो या उससे ज़्यादा के लिए रह रहा हो, वो ऑर्डिनरी कहलाएगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो वहाँ का। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वगैरह लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वो उस कंट्री के अंतर्गत कर रहा हो। तो बात आती है इसके नॉर्मल, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल जो रेजिडेंट है वो उस देश का सिटीजन भी हो। सिटीजन का मतलब उस देश में जन्मा हो, उसके पास उसी देश की सिटीजनशिप हो, बल्कि दूसरे देश का आदमी भी, दूसरे देश का पर्सन भी हमारे देश में रेजिडेंट कहला सकता है अगर उसका इंटरेस्ट हमारे देश में हो, हमारे देश में वो काम करो, हमारे देश में वो एक साल ज़्यादा पीरियड के लिए रह रहा हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO है, IMF है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते किसी भी कंट्री के लिए।
कुछ पर्सन होते हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते, जैसे जो भी कंट्री में हमारी कंट्री में विजिटर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए, जो लोग आते हैं हॉलीडे मनाने आते हैं, या कोई भी अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट वगैरह करवाने आता है, या कोई स्टडी वगैरह करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, फॉरन वेसल्स वगैरह, ये सब फॉरनर्स के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं जो नॉन रेजिडेंट इंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए हमारे देश में आए, या कोई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करने के पर्पज़ से हमारे देश में आए और वो हमारे देश में एक साल से कम पीरियड के रहे और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी खुद के देश में ना कि हमारे देश में, तो वो सारे भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स या जो पर्सनस हैं मतलब जिन्होंने क्रॉस कर रखे हैं बॉर्डर्स को बिटवीन टू कंट्रीज डेली, मतलब नॉर्मली वो भी भाई मूव करते रहते कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में, तो कभी भी उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते, ये उसी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिसमें वो रह रहे हैं। ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मेम्बर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज के, उनको उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है जिससे वो बिलोंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से कहे तो नॉर्मल रेजिडेंट में कौन आ जाते हैं, उस देश के सिटीजन्स वगैरह जो नॉर्मली उस कंट्री में रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है। सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री हु कंटिन्यू टू लिव इन अवर कंट्री, दूसरे देश के जो भी सिटीजन्स जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में ही हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। जो भी सिटीजन हमारी कंट्री के जो इंटरनेशनल लाइक WHO IMF में काम कर रहे हैं या किसी भी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं जो हमारे देश में लोकेटेड है, तो वो भी कौन कहलाएंगे, हमारे रेजिडेंट कहलाएंगे। जो भी सिटीजन हमारी कंट्री के जो अब्रॉड में रह रहे हैं लेकिन एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं रह रहे और जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो भी हमारी ही कंट्री में लाए कर रहे हैं, तो वो भी कौन कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जो फॉरेनर्स हैं जो विजिट करते हैं हमारी कंट्री में घूमने फिरने के लिए, हॉलीडेज मनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई वगैरह करने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए, खेलों के लिए, या कोई भी ऑफिशियल है, डिप्लोमेट्स वगैरह है, आर्म फोर्सेस के, तो ये सब भी पर्सन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी कंट्री में लोकेटेड है, ये सब है ना नॉर्मल रेजिडेंट भी इंक्लूड नहीं किए जाते। यहाँ पे हमें डिफरेंसेस दे रखे हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में और नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर जो भी मतलब होते हैं, इंडिया के लिए जो भी नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस। तो जो भी इंडियन फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो हमारे नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन जो भी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं फॉरेनर्स, वो हमारे नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। जो भी इंडियंस हैं एम्प्लॉय किए गए, मतलब जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको काम दिया गया है WHO जो हमारे इंडिया में, वो, लेकिन जो भी फॉरेनर्स है जो काम कर रहे हैं हमारे देश में जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है उसमें, तो वो हमारे नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। जो भी लोकल पीपल मतलब लोकल जो पब्लिक वगैरह जो काम कर रही है IMF वगैरह में, लेकिन जो भी जर्मन मतलब जैसे जो जर्मनी के लोग वगैरह हैं, डायरेक्टर वगैरह हैं ऑफिस ऑफ IMF वगैरह जो हमारे देश में लोकेटेड उसके अंतर्गत काम कर रही है, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। जो भी एम्बेसडर है फॉर इंडिया दूसरे देशों में और एम्बेसडर इन इंडिया दूसरे देशों का होगा, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। दी फॉरन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ एक साल से ज़्यादा के लिए रह रहे दूसरे देश के लोग भी, तो भी वो हमारे रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन अगर वो एक साल से कम पीरियड के लिए रहते हो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो नेशनल इनकम वही इनकम होती है जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाती है, इसमें नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डोमेस्टिक और एक नेशनल, तो देखो डोमेस्टिक तो जो वो ही होगी जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत आ जाती है। तो देखो डोमेस्टिक इनकम जो मतलब डोमेस्टिक कंसेप्ट जो हमारी डोमेस्टिक इनकम के से रिलेटेड होती है और नेशनल जो हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है, जो दोनों की दोनों जो कंसेप्ट हमारे डोमेस्टिक और नेशनल, उसमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। क्या क्या? एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसकी सर्विसेज के बदले रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। लेकिन एक ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो तो टोटल होती है उस फैक्ट्री इनकम का, मतलब जैसे लाइक हमने जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया, रेंट दिया, इन सभी का टोटल होती है जो हमारे देश की बाउंड्री के अंतर्गत कमाई गई हो। ये मैटर नहीं करता वो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कमाई गई है दूसरे देशों के, मतलब रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई है नॉन रेजिडेंट, बस मैटर ये करता है डोमेस्टिक इनकम में कि वो हमारे देश की बाउंड्री में हो। जबकि अगर बात आ जाए नेशनल की, तो नेशनल इनकम वो होती है जो कहीं भी कमाई जाए, चाहे हमारी बाउंड्रीज में कमाई जाए, चाहे फॉरेनर्स की मतलब फॉरेन में, बस कमाई किसके द्वारा जाए, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, तो वो क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पे दे रखा है, बात आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने पढ़ा था भाई डोमेस्टिक इनकम वो होगी जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी मतलब होती है बाउंड्री, एक सीमा फिक्स कर दे हमारे देश के अंतर्गत कमाई गई हो। तो नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछता है टेरिटरी का मतलब मीनिंग क्या होता है, तो देखो जो इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब
नॉर्मल अगर बात करें ना तो वो होती है जिसके अंतर्गत फ्री मूवमेंट हो सकता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, पर्सन्स का, कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। ठीक है, तो फोकस किस पे होता है? उन ज्योग्राफिकल एरियाज पे होते हैं जहाँ पे हमारे देश के लोग है, गुड्स है, कैपिटल वगैरह है, फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, सर्कुलेट हो सकते हैं बिना किसी बैरियर के। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन से आते हैं? जो टेरिटरी है विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिसमें टेरिटरी वाटर्स वगैरह भी आ जाते हैं, सीप एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट किए जाते हैं हमारे देश के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, फिशिंग वेस्टल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो भी ऑपरेट किए जाते हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज के द्वारा किसी भी इंटरनेशनल वाटर या जो भी एक्सट्रैक्शन एरियाज में लगे हुए हैं। ठीक है, एम्बेसीज है, कंसुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है ये सब। फिर बात देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हम समझ गए, वो बाउंड्री जिसमें हमारे जो भी गुड सर्विसेज वगैरह हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। बात आती है भाई हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम तो वो होती जो रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाती है, बस कहीं भी कमा सकते हैं। तो हम डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तो हमें पता चल गया डोमेस्टिक तो सम टोटल होता है उस फैक्टर इनकम का जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जनरेट की गई है। ये मैटर नहीं करता किसके द्वारा जनरेट की गई है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों आ जाते हैं। जबकि जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें हमारी मतलब देश के नागरिक के द्वारा रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाती है और कहीं भी कमाई गई हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डोमेस्टिक इनकम किस में क्या नहीं आएगी, फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई वो घटा देंगे और जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी इनकम अर्न की गई है हमारे रेजिडेंट के द्वारा दूसरे देशों से। तो देखो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम है ना उसमें से वो पार्ट ऑफ इनकम मतलब फैक्टर इनकम जो बिलोंग करे नॉन रेजिडेंट से उसको हम हटा देंगे और इसमें जो भी डोमेस्टिक इनकम है पार्ट ऑफ इनकम जो रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई है दूसरे देशों से उसको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक फॉर्म लेके फॉर्म में प्रेजेंट किया गया डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम हमारे रेजिडेंट के द्वारा दूसरे देशों से कमाई गई वो ऐड कर, लेकिन हमारे देश में दूसरे देशों के लोगों के द्वारा जो इनकम कमाई गई वो घटा देंगे, तो वहाँ से नेशनल इनकम आ जाएगी। इसको हम नेट फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम मतलब ये जोड़ देते हैं घटा देते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहलाती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इनकम होते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब एक दूसरे की आइडेंटिकली कंसेप्ट होती हैं। फिर देखो यहाँ पे इसने दिखा रखा है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, वैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। अब बात आती है हम ग्रोस और नेट कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, मतलब ग्रो जीडीपी है उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो याद रखो ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। तो जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करना होता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें ग्रोस में कन्वर्ट करना हो तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। तो ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे इसने हमें यहाँ पे दिखा रखा है। अब बात आती है एक वर्ड होता है मार्केट प्राइस और एक होती है फैक्टर कॉस्ट। तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं हम उसको मार्केट प्राइस पर भी निकाल सकते हैं और मतलब फैक्टर कॉस्ट पर भी। तो मार्केट प्राइस पर क्या होगा, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, मतलब मार्केट में जो वैल्यू है ना हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की तो वो मार्केट प्राइस पर माना जाएगा। ठीक है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम होती है जो एस्टिमेट किए जाते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो भी जनरेट की गई है तो फैक्टर कॉस्ट पर कहलाएगा। मार्केट पर वैल्यूएट करोगे तो मार्केट प्राइस कहलाएगा और अगर फैक्टर कॉस्ट पर वैल्यूएट करेगा तो फैक्टर इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा होता है सब्सिडी और जो भी टैक्सेस हमारी सरकार लगाती है, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं वो तो हमारे प्राइसेस को बढ़ा देते हैं जबकि सब्सिडी होती है वो हमें छूट देती है तो वो हमें प्राइस घटा देती है। तो इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग डिफरेंस बनता है। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा किस पे आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल देते हैं। तो इसको हमें इसमें से घटाना होता है हमारे फैक्टर कॉस्ट पर हमारी इनकम आ जाएगी। ठीक है, कुछ क्योंकि जो हमारी सब्सिडी होती है वो जैसे हम बोलते हैं ना कि सरकार ने इस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी गरीबों को, तो एक छूट होती है वो हेल्प करती है एक टाइप से कहें दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा है जीडीपी मार्केट प्राइस पर, इसमें से नेट इंडेक्स टैक्सेस को घटा दिया तो जीडीपी हमारे आगे फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। फिर कुछ एग्रीगेट्स होते हैं जो हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस पर नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर ये सब।
तो ये क्या होगा, ये रेफर करता है मार्केट वैल्यू किसकी, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही प्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान। इसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है, जबकि इसमें हमारा डेप्रिसिएशन नहीं आता है, ठीक है। और जो जीडीपी हमारे फैक्टर कॉस्ट पर होती है वो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, जो भी कंपनसेशन दिया गया, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट वगैरह जो जनरेट किया गया है बाउंड्रीज के अंतर्गत, ठीक है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर इसमें हमारे यही आ जाएंगे सारे के सारे। और एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर क्या हो जाएगा, बस इसमें जो भी हमारी डेप्रिसिएशन होता है उसका डिफरेंस होता है, और वही होती है जो भी इनकम जनरेट की गई डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी अकाउंटिंग ईयर के दौरान। ये फैक्टर इनकम पे डिपेंड करता है, वो मार्केट प्राइसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे जीडीपी था मार्केट प्राइस पर, हमें इसको फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दिया, और अगर हमें इसको एनडीपी में कन्वर्ट करना था तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस हो गया। इसको हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो एमपी को हम फैक्टर कॉस्ट में मतलब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना, तो ये हमारा फ्लो चार्ट चलता ही रहता है। अगर हमें इससे इधर जाना हो तो हम जोड़ देंगे, इससे इधर जाना हो तो घटा देंगे, ठीक है। तो इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।